नमस्कार साथियों, तो स्वागत आपका मेरे इस YouTube चैनल में। और आज हम आपको बताने वाले हैं मणि महेश यात्रा के बारे में। वैसे तो मणि महेश यात्रा करने के बहुत से तरीके हैं साथियों, जैसे कि एक रास्ता जाता है बाया भरमौर और बाया हड़सर होते हुए, जिसमें कि आप हड़सर तक गाड़ी बस किसी भी तरीके से जा सकते हैं और वहाँ पे अपनी गाड़ी वगैरह भी पार कर सकते हैं साथियों। और उसके बाद आपकी पैदल यात्रा लगती है और उसके बाद आप पहुँचते हैं मणि महेश। और दूसरा रास्ता जाता है भाई बाया कुक्ति होकर के, जिसमें कि आप हड़सर से आगे कुक्ति तक पैदल भी जा सकते हैं, गाड़ी से भी जा सकते हैं और टाइमली बस भी जाती है। और उसके बाद भाई कुक्ति से पैदल यात्रा शुरू होती है, जो कि बाया कमलकुंड होते हुए फिर आप मणि महेश पहुँचते हैं और उसके बाद फिर हड़सर की तरफ वापसी होती है। जो दो रास्ते हैं, इन रास्तों से ज्यादातर श्रद्धालु जो है मणि महेश पहुंचते हैं, और जो हड़सर वाला रास्ता है उस रास्ते से सबसे ज्यादा श्रद्धालु मणि महेश पहुंचता है। लेकिन आज जिस रास्ते के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं भाई, वो रास्ता थोड़ा अलग है और इन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट रास्ता है और उस रास्ते से बहुत ही कम लोग आना जाना करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मशाला से डायरेक्ट मणि महेश के लिए पैदल यात्रा की, जिसमें कि आप धर्मशाला से पैदल यात्रा शुरू करते हैं और बाया त्रियुंद होते हुए, बाया लैस केव होते हुए और बाया इंद्रार पास को क्रॉस करते हुए आप नागडल पहुंचते हैं। और उसके बाद भाई आप बाया क्वारसी होते हुए, बाया त्यारी होते हुए और उसके बाद कलाव का गांव क्रॉस करते हुए, फिर बाया जैलखड और बाया सुखडली, उसके बाद सुखडली पास करते हुए भाई आप पहुँचते हैं मणि महेश डल झील में, जिसमें कि आपको 4 से 5 दिन का समय लग जाता है। अगर आप अच्छे चढ़ने वाले हैं तो भाई आप इस यात्रा को 4 दिन में भी पूरा कर देंगे, लेकिन अगर आप इस रास्ते को एंजॉय करते हुए जाना चाहते हैं तो आपको भाई 5 से 6 दिन भी लग सकते हैं। अगर आप इस रास्ते से अकेले जाना चाहते हैं या फिर ग्रुप के साथ भी जाना चाहते हैं, तो इस रास्ते में आपको क्या क्या सावधानियाँ बरतनी होंगी भाई, और क्या क्या सामान आपको साथ में लेके जाना चाहिए, कौन कौन सी जगह पे आप रुक सकते हैं और इस पूरी यात्रा में आपको कितना खर्चा होने वाला है, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, सबसे पहले शुरू करते हैं जरूरी सामान की। तो इस यात्रा में जो भी सामान हमको लेना है वो मैंने 2 ग्रुप में कैटेगराइज करा है, जिसमें कि कुछ आइटम्स हैं जो कि पर्सनल सामान है, जो कि साथ में जाने वाले हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी होनी चाहिए। जैसे कि जूते हो गए, जुराबे हो गई, 2 से 3 जोड़ी कपड़े होने चाहिए, जिसमें कि भाई गर्म कपड़े भी होने चाहिए, सनग्लासेस हो गए, रेनकोट हो गया, पावर बैंक हो गया, डाटा केबल्स हो गई, और सबके पास थोड़ा थोड़ा कैश होना चाहिए। इन पहाड़ों पे चढ़ने के लिए आपको एक छड़ी या फिर वॉकिंग स्टिक सबके पास होनी चाहिए, और इसके अलावा सबके पास अपना अपना स्लीपिंग बैग होना चाहिए और सबके पास अपने गैजेट है जो कि आपकी जरूरत के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो ये जो भी सामान मैंने अभी लिस्ट आउट करा है भाई, ये जो सामान है ये मिनिमम सामान सबके पास अपना अपना होना चाहिए। अब इसके अलावा हम बात करते हैं ऐसे सामान की जो कि हम सबको कम्बाइंडली साथ में लेकर के जाना पड़ता है, जिसमें कि सबसे पहले आता है टेंट, उसके अलावा मेडिकल किट, अगर मेडिकल किट में ऑक्सीजन सिलेंडर हो तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा आती है कुकिंग किट, जिसमें कि पोर्टेबल जो चूल्हा होता है वो होना चाहिए और बर्तन वगैरह जो अपनी आवश्यकता अनुसार वो सभी होने चाहिए। अगर आपके पास पोर्टेबल गैस चूल्हा नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपके पास पोर्टेबल गैस चूल्हा है तो भाई बहुत अच्छी बात है और उसका आपको इस सफर में बहुत फायदा मिलने वाला है। इसके बाद बात आती है खाने के राशन की। तो भाई खाने के राशन का ऐसा है कि हमको धर्मशाला से निकलते वक्त 2 दिन का जो है खाने का राशन खरीद लेना है, जिसमें कि थोड़ा बहुत रेडीमेड फूड जरूर होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास लाइटर या माचिस होनी चाहिए आग जलाने के लिए। इसके अलावा भाई आपके पास एक बड़ा चाकू या फिर द्राट कह लो या फिर खुखरी कह लो भाई, इस तरीके का एक बड़ा औजार आपके पास होना चाहिए, क्योंकि भाई रास्ते में आपको बहुत सी जगह लकड़ी वगैरह खुद ही इकट्ठी करनी पड़ेगी, और ये जो भाई औजार है जैसे चाकू हो गया, खुखरी होगी या द्राट हो गया, ये आपका रास्ते में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। और इसके अलावा भाई आपके पास एक मजबूत रस्सी होनी चाहिए, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए लेकिन इतने होने चाहिए कि भाई आप उसे आसानी से उठा लो, क्योंकि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें रास्ते में बहुत बार बहुत काम आती हैं। तो भाई मुझे जो भी सामान जरूरी लगता है इस सफ़र के लिए, वो जो भी मैंडेटरी था वो मैंने सारा लिख दिया है, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपकी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ सामान ऐसा है जो आपको बहुत ज़रूरी है तो भाई वो भी आप अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन भाई इस यात्रा में आप जो भी सामान लेके जाएं वो लाइट वेट ही लेके जाएं, क्योंकि ये जो सामान है आगे जाकर के बहुत भारी लगने लग जाता है। और अगर भाई आप 4 से 5 बंदों के ग्रुप में जाएंगे तो आपको सामान ले जाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, और वहीं अगर आप 2 से 3 बंदे जाते हैं तो भाई आपका जो सामान है काफ़ी भारी हो जाएगा। तो भाई जाने से पहले प्लान बना लें और 4 से 5 बंदे तो इस सफ़र पर जरूर जाएँ, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा है और इसमें कंपनी होना जरूरी है। तो चलिए साथियों, जरूरत का सामान तो हमने इकट्ठा कर लिया, अब शुरू करते हैं इस सफर को। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये सफर धर्मशाला से शुरू होते हुए चंबा भरमौर में जाकर के खत्म होता है, लेकिन इससे आप इस सफर की बारीकियां नहीं समझ पा रहे होंगे। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस सफर के स्टार्टिंग पॉइंट पे।
हमको सबसे पहले भाई जो अपना पहले दिन का सफ़र है वो शुरू करना है गलू टेम्पल से। जो गलू टेम्पल है भाई वो धर्मशाला से 7.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो गलू टेम्पल तक आप भाई गाड़ी या फिर बाइक से पहुंच सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी पैदल यात्रा शुरू हो जाती है। तो गलू टेम्पल से हम लोग निकलते हैं पहले त्रिवंद के लिए, जो कि धर्मशाला का बहुत ही प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है। अगर आप गलू टेम्पल से त्रिवंद के लिए बढ़ते हैं भाई तो आपको 3 से 3.5 घंटे त्रिवंद पहुंचने के लिए लगने वाले हैं। और जब आप त्रिवंद से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो भाई सबसे पहले आता है स्नो लाइन, और उसके बाद आता है इलाका, और उसके बाद आता है लैंडस्केप। जो लैंडस्केप है उसके कोऑर्डिनेट्स और उसकी वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। तो जो सबसे पहली रात है हमको अपने सफर की इसी जगह पे काटनी होगी, वो इसलिए क्योंकि एक तो ये आपके सफर का पहला दिन है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे आपको पानी वगैरह बहुत आसानी से मिल जाएगा, बगल में ही भाई बहुत बड़ा झरना भी है, और तीसरी बात यह है कि यहाँ पर पहुँचने से थोड़ी देर पहले ही आपको लकड़ियाँ वगैरह भी आसानी से मिल जाएंगी, और चौथी बात यह है कि यहाँ पे एक नेचुरल केव है भाई, जिसमें कि 40 से 50 बंदे एक बार में रुक सकते हैं। और भाई अगर इतनी सारी परिस्थितियाँ बनती हैं तो यहाँ पे रुकना बनता ही है। तो पहले दिन यहाँ पे टाइमली पहुँच जाएं और यहाँ पे खाने पीने रहने का जो जुगाड़ है टाइमली कर लें, और उसके बाद इस एरिया को एंजॉय करें। वैसे तो इस सफर में रुकने के लिए बहुत सी जगह हैं, लेकिन मैं आपको उन्हीं जगह के बारे में बताऊंगा जो कि रुकने के लिए ज़्यादा सेफ हैं, और बाकी जो जगह रुकने लायक है उनके बारे में भी बताऊंगा, ताकि अगर कुछ ऐसा समय पड़ जाता है तो आप वहाँ पे भी स्टे कर सकें। अब इसके बाद दूसरे दिन का सफर शुरू होता है, तो लैंडस्केप आप अर्ली मॉर्निंग निकल जाएं, 4 से 5 बजे के बीच आप वहाँ से निकल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है, ताकि जो आपकी टॉप की जो चढ़ाई है वो आसानी से निकल जाए, क्योंकि सुबह सुबह भाई इस चढ़ाई का पता नहीं लगता। और लैंडस्केप से जब आप 1.5 से 2 घंटा ऊपर चलते हैं तो ऊपर भाई टॉप से थोड़ा सा पहले एक एरिया आता है जहाँ पे भी आप रुक सकते हैं, उस जगह को अपर लैस के नाम से भी जाना जाता है भाई। और यहाँ पे रास्ते के साइड में भाई बहुत बड़ा पत्थर है, और उस पत्थर के नीचे रुकने के लिए जगह बनी हुई है, और इस यात्रा के दौरान यहाँ पे लंगर भी लगा होता है, जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे। और भाई अपर लैस को क्रॉस करने के बाद, थोड़ा सा सफर करने के बाद आप पहुंच जाते हैं इंद्रार पास के टॉप पे। अगर भाई आप टाइमली लैंडस्केप से निकले हैं तो भाई जब आप ऊपर पहुंचेंगे भाई तो आपको जो उगता हुआ सूरज दिखाई देगा, और अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ पे पहुँच चुके होंगे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद भाई 10 से 15 मिनट से ज़्यादा ना लगाएं, क्योंकि जो टॉप होता है वहाँ पे जो मौसम भाई थोड़ी थोड़ी देर में बदलता रहता है, तो वहाँ पे भाई जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वहाँ से निकलें। और जब आप इंद्रार पास के टॉप को क्रॉस करने के बाद पिछली तरफ नीचे की तरफ उतरते हैं तो उस एरिया को कहते हैं मरनकंडी, और मरनकंडी से नीचे उतरते भाई लेफ्ट साइड में पत्थरों के निशान होंगे भाई, आप उन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़े, आप 1.5 से 2 घंटे में नागडोल पहुंच जाएंगे। तो भाई जैसे आप नागडोल पहुंचेंगे वहां पे भी आपको रुकने के लिए जगह मिल जाएंगी, नेचुरल जो केव्स हैं वो मिल जाएंगी, और जब आप सीजन में जाते हैं तो वहां पे भाई थोड़ा बहुत लंगर भी लगा होता है, लेकिन भाई आप वहां पे स्नान करें, आप उस एरिया को इंजॉय करें, पूजा अर्चना करें, और उसके बाद वहाँ पे ना रुकें, आप वहाँ से निकल जाएं नीचे की तरफ। और एक और ज़रूरी बात आपको इस एरिया के बारे में बताना चाहूँगा भाई, कि आपके साथ अगर कोई लेडीज़ है, कोई औरत है भाई, तो उसको इस डल से दूर रखें, उसको इस डल में स्नान ना करने दें, और उनको ये हिदायत दें कि डल के नज़दीक ना जाएं। और उनको स्नान करना है तो भाई जो नाग डल से नीचे की तरफ पानी बह रहा है तो नीचे जा करके उसके थोड़े छींटे ले लें, क्योंकि भाई ये यहाँ की पुरानी मान्यता है और हम भी इन मान्यताओं को मानते हैं। तो भाई जैसे आप नागडोल से निकलेंगे भाई आपको नीचे की तरफ बढ़ना है, नीचे की तरफ भाई आपको एक रास्ता मिल जाएगा अगर आप अच्छे से देखेंगे तो नीचे भाई आप जैसे बढ़ेंगे एक डली आएगी, और डली को थोड़ा सा क्रॉस करने के बाद भाई आपको कुछ भेड़े वगैरह और भेड़ पालक वगैरह मिल पड़ेंगे। ये भाई सीजनेबल यात्रा है, और इस सीजन में भाई यहाँ पर पाल वगैरह रहते ही रहते हैं। अगर मौसम साफ होता है भाई तो वो जगह आपको दूर से ही दिख जाएगी। इस जगह का नाम भाई झारतू है, जो कि यहाँ पे लोकल जो पाल भाई हैं वो इसको झारतू के नाम से जानते हैं। और भाई जो आपका दूसरे दिन का स्टे है भाई आपको इसी एरिया के आसपास करना है, वो इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे आपको कंपनी भी मिल जाएगी, यहाँ पे आपको टेंट वगैरह लगाने के लिए जगह भी मिल जाएगी, और खाना बनाने के लिए लकड़ी भी मिल जाएगी, और साथ में पानी भी आपको इजीली मिल जाएगा। तो आप जो दूसरे दिन का स्टे है यहीं पे करें। वैसे तो बहुत से लोग भाई जो दूसरे दिन का स्टे है वो सीधा कुंवारसी में करते हैं, लेकिन भाई अगर आप इस रास्ते में नए हैं तो मैं तो यही सजेस्ट करूँ कि दूसरे दिन का स्टे आप झारथू वाले एरिया में कर लें। और अब हम तीसरे दिन का जब सफ़र शुरू करते हैं तो भाई ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग इस एरिए से ना निकलें, क्योंकि इस एरिया में जैसे आप आगे बढ़ते हैं तो आपको ऊंची ऊंची घास का आगे सामना करना पड़ता है और जंगली जानवर आपको मिल सकता है। तो भाई आप 7 बजे के आसपास या उससे आसपास ही आप सफ़र को शुरू करें, और जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं 1.5 घंटे की खड़ी ढलान उतरने के बाद भाई आप पहुंचते हैं एक नेचुरल सी केव में, जहाँ पे ये केव है भाई, इस जगह का नाम है चाटा।
ये जो केव है भाई ये बहुत ही ज्यादा हिडन है, बहुत ही ज्यादा ढूंढने के बाद भी ये केव नहीं मिलती है, इसलिए मैं आपके रेफरेंस के लिए भाई जीपीएस कोऑर्डिनेट भी शेयर कर रहा हूँ साथ साथ में। जो चाटा वाला एरिया भाई ये काफी ज्यादा लंबे लंबे घास वाला एरिया है। सबसे पहले कोई यहाँ से गया है भाई तब तो आपको रास्ता ढूंढने में थोड़ी आसानी होगी, लेकिन अगर आपसे पहले यहाँ से कोई नहीं गया भाई तो आपको खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस रास्ते पे काफी कम लोग ट्रैवल करते हैं भाई, सीजनल ही इस रास्ते से लोग ट्रैवल करते हैं। चाटा से रास्ता बनाते हुए आप आगे बढ़ते रहें भाई और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जब आपको बिल्कुल सही रास्ता मिल जाता है, और उस रास्ते से आपको आगे बढ़ते रहना है, बढ़ते रहना, बढ़ते रहना है, तब तक बढ़ते रहना भाई जब तक आपको वो रास्ता नाले के बीच बीच ना पहुंचा दे। और जैसे भाई आप नाले पहुंचेंगे भाई तो आपको दो तीन परिस्थितियां मिल सकती हैं, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बर्फ़ होता है तो बर्फ़ को लांग के आपको भाई नाला क्रॉस करना पड़ता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि भाई नाला बह रहा होता है और नाले के बीचों बीच से आपको होके जाना पड़ता है, और कभी ऐसा भी होता है भाई कि जो स्थानीय लोग होते हैं उन्होंने नालों के बीच में भाई छोटी सी पुलिया बना दी होती है। तो भाई जैसी भी आपको परिस्थिति मिलती है उसको पार करें, और उसके बाद भाई आपकी चढ़ाई लग जाती है, एक स्लाइडिंग जोन से आपको चढ़ाई करनी है भाई, तो आप चढ़ाई ऊपर चढ़ते रहेंगे, आपको थोड़ा थोड़ा जो रास्ता समझ आता रहेगा लेकिन एक्चुअल में वहाँ से रास्ता नहीं मिलेगा। और इसी रास्ते से आगे बढ़ते हुए आपको भाई ऊपर की तरफ एक बड़ा सा देवदार का वृक्ष दिखेगा भाई, और वृक्ष के बगल में भाई एक बहुत बड़ा पत्थर, और पत्थर के नीचे भाई एक मंदिर है जो कि आपको दूर से ही समझ आ जाएगा। उस मंदिर में पहुँचते भाई आप पहुँच जाएंगे बंदर वाले एरिया में। अगर आप यहाँ पे लेट पहुँचते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते, तो भाई आप इस पत्थर के नीचे भी स्टे कर सकते हैं, या फिर भाई इसके थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो आपको बंदारा वाला प्लेन इलाका मिल जाएगा, जहाँ पे भाई आपको जो लोकल लोगों के पशु वगैरह मिल जाएंगे वहाँ पे भी आप टेंट वगैरह लगा सकते हैं। लेकिन भाई अगर आपने ये सफ़र टाइमली पूरा कर लिया है तो भाई आपको आगे कुंवारसी के लिए बढ़ते रहना है, और जो तीसरे दिन का स्टे है भाई वो आपको कुंवारसी के नाग मंदिर में करना है। तो भाई जब आप बंदारा से निकलते हैं तो कुंवारसी तक अगर आपको पहुंचने भाई 2 से 2.5 घंटे आराम से लग जाते हैं। तो भाई जो कुंवारसी है वो इस रास्ते में चंबा डिस्ट्रिक्ट का पहला गांव लगता है, और यहां का जो नाग मंदिर है भाई वहां पे रुकने की पूरी पूरी व्यवस्था है, यहां पर श्रद्धालुओं के रुकने के लिए भाई सराय वगैरह है, पूरा एरिया उसी तरीके से बना हुआ है। और अगर आप यहाँ पे टाइमली पहुँच जाते हैं तो भाई यहाँ पे आसपास छोटी मोटी दुकानें भी हैं, और आप यहाँ पे खुद खाना भी बना सकते हैं, और अगर आप खाना नहीं बनाना चाहते हैं तो भाई आप किसी लोकल व्यक्ति से बात कर सकते हैं, वो आपको खाना बना के खिला देंगे, या तो भाई आपसे वो नॉमिनल से चार्जेस ले लेंगे, अदरवाइज भाई वहाँ पे लोग इन चीज़ों के पैसे नहीं लेते हैं। तो भाई आप टाइमली यहाँ पहुँचें और खाने पीने का टाइमली जुगाड़ कर लें, और भाई फिर इस एरिया को इंजॉय करें। इसके बाद भाई आपको जो चौथे दिन का जो सफ़र है वो कुंवारसी के नाग मंदिर से शुरू करना है। अगर हो सके तो आप यहाँ से अर्ली मॉर्निंग निकलें, 4 बजे या 5 बजे के आसपास, तो बहुत ही अच्छी बात है भाई, क्योंकि भाई जो आगे का सफ़र है फिर आपका आसान हो जाएगा। वैसे तो भाई अभी कुंवारसी गांव के लिए रोड का काम लगा है, लेकिन अभी जो रोड है कुंवारसी गांव में पहुंचा नहीं है, तो रोड तक पहुंचने के लिए भाई आपको 1 से 1.5 घंटा अभी भी लग जाएगा। और अगर आप कुंवारसी से भाई टाइमली निकल जाते हैं तो भाई आप नीचे जो रोड से लगता गाँव हिलंग वहाँ पे टाइमली पहुँच जाएंगे, और आपको कोई ना कोई गाड़ी नीचे जाने के लिए मिल जाएगी। तो भाई आप हिलंग से त्यारी गाँव तक के लिए गाड़ी कर सकते हैं, जिसके कि बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस रहते हैं। और अगर आप इस रास्ते को भी पैदल चलना चाहते हैं तो भाई आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो भाई हिलंग से जो आपको त्यारी गांव तक है जो सड़क मिल जाएगी भाई, त्यारी गांव में आपको शॉप्स वगैरह इजीली मिल जाएंगी, और वहां पे आपको भाई खाने पीने की दुकानें भी मिल जाएंगी, और आप यहीं पे भाई ब्रेकफास्ट वगैरह कर लें, और आप एक और दिन का राशन यहां पे खरीद लें। इसके बाद भाई आपको वैसे तो राशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी बैकअप के लिए भाई एक दिन का राशन यहां से ले लें। और जब आप इस रास्ते से आगे बढ़ेंगे भाई तो आपको एक और गाँव रास्ते में मिलेगा जो कि इस रास्ते का आखिरी गाँव है, और इस गांव का नाम कलाह गांव है। और जब आप कलाह गांव में पहुंचेंगे भाई तो आपको यहां पे भी 1 या 2 शॉप्स मिल जाएंगी, और अगर आपको यहां पे खाना वगैरह खाना है तो भाई ये जो शॉप वाले हैं ये आपको यहां पे खाना वगैरह प्रोवाइड कर देंगे, जिसके कि भाई बहुत ही नॉर्मल से चार्जेस रहते हैं। और जब आप इस गांव से निकलते हैं भाई तो 1.5 घंटे की चढ़ाई चढ़ने के बाद भाई आपको एक गुफा दिखाई देगी बिल्कुल रास्ते के साइड में, जो कि बाबा बालकनाथ जी का एक तपोस्थल है। ऐसा माना जाता है कि जब बाबा बालकनाथ जी मणिमहेश जा रहे थे तो इसी स्थान पे उन्होंने काफ़ी समय तक तपस्या करी थी। यहाँ पे थोड़ी देर के लिए जरूर रुकें, आप इस गुफा के अंदर जाएं। अंदर जाने के लिए भाई आपको 2 या 3 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ करके जाना पड़ेगा, फिर आप पाएंगे भाई ऊपर की जो बाबा बालकनाथ जी का जो मेन थान है वो ऊपर आपको दिखाई देगा। तो भाई आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठने के बाद, दर्शन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और आगे थोड़ी सी ज़्यादा चढ़ाई आएगी, उसके बाद थोड़ा सा और आगे चढ़ने के बाद भाई आपको एक प्लेन सा इलाका आएगा, जिसमें कि भाई आपको दूर से ही पाल भाई हमारे दिख जाएंगे, 1-2 डेरे भी उस समय पे यहाँ पे लगे होते हैं। इस एरिया को भी भाई बंदारा कहा जाता है। तो बंदारा में भाई आपको कुछ लोग देखने को मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पे भी भाई चाय पानी आराम से मिल जाएगा। तो इसके बाद का जो आपका आगे का रास्ता भाई काफ़ी खुला आपको आगे रास्ता मिलेगा, और
दो से ढाई घंटे चलने के बाद भाई आप पहुंच जाएंगे जैलखड़ में। तो जो जैलखड़ वाला एरिया है भाई, यहाँ पे मणिमहेश यात्रा के दौरान लंगर लगा ही रहता है। तो मणिमहेश यात्रा से कई दिन पहले यहाँ पे लंगर स्टार्ट हो जाता है और मणिमहेश यात्रा खत्म होने के बाद तक यहाँ पे लंगर रहता है। और आप जैलखड़ में रुक सकते हैं भाई, आपको यहाँ पे कोई ना कोई जरूर मिलेगा। तो भाई आप जलखड़ में रुक सकते हैं। मणिमहेश यात्रा के दौरान भाई इस एरिया में बहुत ही बड़ी सराय बनाई जाती है जिसमें कि 300-400 आदमी एक साथ रुक सकते हैं। तो भाई आपका जो चौथे दिन का स्टे है वो यहीं पे होने वाला है। और भाई यात्रा के दौरान जब आप इस रास्ते से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे भाई एक रूल है, यहाँ पे एक बाबा जी की ड्यूटी होती है, सख्त ड्यूटी। तो भाई आप 2 बजे से पहले अगर जैलखड़ को क्रॉस कर जाते हैं तब तो आपको आगे जाने की अनुमति दे दी जाती है, और अगर आप 2 बजे से थोड़ा सा लेट हो जाए तो भाई आपको आगे नहीं जाने दिया जाता है। फिर आपको 2 बजे के बाद आपको इसी जगह पे रुकना पड़ता है, क्योंकि भाई इससे आगे का जो इलाका है बहुत ही खतरनाक है, जो टेम्परेचर एकदम से बहुत ज्यादा लो हो जाता है। और बहुत बार ऐसा हुआ भाई, कुछ लोग यहाँ से निकल गए हैं और वो मणिमहेश नहीं पहुँच पाए कभी भी। तो भाई चौथे दिन की जो रात यहाँ पे गुजारने के बाद 5वें दिन की जो आपकी अगली चढ़ाई है भाई, आप यहाँ से अर्ली मॉर्निंग ही लगा सकते हैं। अगर आप भाई यहाँ से 3 और 4 बजे के बीच निकलते हैं तो बहुत ही बेस्ट टाइम है यहाँ से निकलने का। तो भाई जब आप यहाँ से निकलेंगे तो 1-1.5 घंटे की चढ़ाई के बाद आप पहुँच जाएंगे सुखडली पे। तो सुखडली के बाद फिर भाई 1-1.5 घंटे की चढ़ाई और रहती है, और उसके बाद आप पहुँच जाते हैं सुखडली पास के टॉप पे। और जैसे भाई आप इस पास के टॉप पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको सबसे पहले ज्योतावाली माता के दर्शन होंगे, और बिल्कुल सामने ही आपको मणिमहेश कैलाश के दर्शन होंगे, और बिल्कुल क्लियर दर्शन होंगे भाई। मणिमहेश कैलाश बिल्कुल आपके सामने होगा। इस जगह पे भाई आप 10 से 15 मिनट स्पेंड करें, आपके पास टाइम है तो ज़्यादा टाइम स्पेंड करें भाई। और यहाँ पे जो भाई जो मौसम है थोड़ा ठीक ठीक रहता है, इतनी दिक्कत यहाँ से नहीं होती। और भाई अगर सूर्योदय हो चुका है तब तो कोई बात नहीं, अगर सूर्योदय नहीं हुआ भाई तो आप यहाँ पे बैठ के सूर्योदय जरूर देखें एक बार। तो भाई यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके भाई यहाँ पे पूजा अर्चना करने के बाद, अपने मन को तसल्ली देने के बाद फिर आप आगे बढ़ें। साथ ही जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो रास्ता ईजी मिल जाएगा, आपको सिर्फ नीचे की तरफ ही आगे ढलान की तरफ बढ़ना है। तो 1/2 घंटे की ढलान की तरफ बढ़ने के बाद भाई आप एक पॉइंट पे ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां से आपको मणिमहेश झील के दर्शन होंगे। तो जिस भी पॉइंट से भाई आपको दर्शन होते हैं उस एरिया में एक बार जरूर बैठना चाहिए, 10 से 15 मिनट आप वहां पे बैठे भाई, क्योंकि वहां से जो नज़ारा है फिर आपको नीचे जा करके वो वाला नज़ारा नहीं मिलेगा। फिर आप थोड़ी देर के बाद नीचे बढ़ें, फिर भाई 5 से 7 मिनट में आप नीचे डल झील में पहुँच जाएंगे। तो इसके बाद जब आप भाई मणिमहेश झील में पहुंचोगे तो जो टाइम होगा भाई 10 से 11 बजे के बीच का होगा। वहां पे रुकें, अपना टाइम लें, झील में स्नान करें, झील की परिक्रमा करें, पूजा अर्चना करें, जो आप करना चाहते हैं भाई करें। और भाई अगर आप वहां पे रुकना चाहते हैं, आपके पास समय है तो आप वहां पे जरूर रुकें भाई। और भाई अगर आप यहाँ पे नहीं रहना चाहते हैं तो आप हड़सर के लिए बढ़ सकते हैं नीचे की तरफ। और जब आप हड़सर की तरफ बढ़ोगे तो भाई अगर आप स्पीड में जाते तो भाई 3 घंटे के आसपास में आप हड़सर पहुँच जाएंगे। और भाई अगर आप आराम से चलते हैं तो 4 से 5 घंटे भी आपको लग सकते हैं। हमने भाई ऐसे ही करा, हम पहले मणिमहेश डल लेक में पहुंचे, उसके बाद हमने पूजा अर्चना करी, उसके बाद हमने भाई यहाँ पे थोड़ा सा समय बिताया और हम लोग फिर नीचे के लिए रवाना हो गए। उसके बाद हम लोग रुके गौरीकुंड में, और गौरीकुंड में रुक के भाई हमने ब्रेकफास्ट कम लंच किया, क्योंकि यही हमने ठाना था कि यहाँ पे पहुँचने से पहले हमने कुछ खाना नहीं है। और उसके बाद हम लोग भाई हड़सर के लिए निकल गए, और हमको हड़सर पहुँचने के लिए भाई 3 घंटे लग गए। और हड़सर के बाद भाई हम लोगों ने भरमौर के लिए जीप ली, जो कि 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको भरमौर तक छोड़ देती है। तो ये जो धर्मशाला से मणिमहेश झील की 4 से 5 दिन की पैदल यात्रा है, इसमें आपको 3 दिन तो बीच में रुकना ही पड़ेगा। अगर आप आराम से आते हैं तो भाई आपको 4 या 5 दिन भी लग सकते हैं, और अगर आप आराम से आते भाई तो आप 5वें दिन या 6ठे दिन भरमौर पहुंच जाएंगे। भाई इसमें मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी जगह पे आपको स्टे करना है और कौन सी दिन पे आप कहाँ पे पहुँचे। अब इसमें भाई एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वो है टाइमिंग। आप बिल्कुल टाइम से निकलें, आप बिल्कुल टाइमली ही जहाँ पे आपने डिसाइड करा है वहाँ पे पहुँचें, क्योंकि भाई ये जो जंगल वाला इलाका है इसमें ये जो टाइम टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और अगर आप टाइमली जहाँ पे आपने डिसाइड करा है वहाँ पहुँच जाते हैं, अंधेरा होने से पहले वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो भाई आप बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप रात को ट्रैवल करते हैं भाई तो आप अनसेफ हैं, तो कोशिश करें भाई कि रात को ट्रैवल ना करें। अब इसके बाद भाई बात आती है कि इस सफ़र में, इस पैदल यात्रा में कितना खर्चा होगा। तो भाई इस सफ़र में जितने ज़्यादा लोग आपके साथ जाते हैं उतना ही कम आपको खर्चा पड़ता है। भाई हम लोग इस सफ़र में गए थे 4 लोग, तो भाई हमने जब सारा टोटल करा जिसमें कि भाई राशन का भी इंक्लूड है, बीच का जो ट्रैवल का भी इंक्लूड और वापसी का बस का खर्चा भी इंक्लूड है, तो भाई पर पर्सन के हिसाब में 2,800 रुपये बने, जो कि इस लंबी यात्रा के लिए बहुत ही कम चार्जेस हैं। जिसमें कि पहली रात हम लोग टेंट में रुके, हमने खुद ही खाना बनाया,
और दूसरी रात भी हम टेंट में रुके, हमने खुद ही खाना बनाया। और तीसरी रात भी भाई हम लोग कैंप में रुके, वहाँ पे हमने खुद ही खाना बनाया। चौथी रात भाई हमने क्वारसी में नाकबंदी में ना डालते हुए हमारे एक मित्र थे उनके घर में डाली, और भाई उस रात का खाना उन्होंने हमको खिलाया। और जो पाँचवीं रात हमने भाई जैलखड़ में डाली और वहाँ पे हमने लंगर में खाना खाया। और जो छठी रात है भाई वो हम लोग भरमौर में रुकने वाले थे लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोगों ने सीधे रात में वापसी की बस ले ली। और ये जो हमारा खर्चा था भाई ये 6 दिनों का खर्चा था। और अगर भाई 6 दिनों का जो खर्चा है हम 2000 एवरेज ले लेते हैं एक बंदे का, तो 330 या 335 रुपए के आसपास पड़ता है, या फिर राउंड फिगर आप 350 पर डे के हिसाब से लगा सकते हैं, जो कि भाई बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस हैं। और भाई इसके अलावा जो बाकी सामान था जैसे स्लीपिंग बैग थे, जो टेंट था वो हमारा अपना अपना था, तो उसके चार्जेस हमको नहीं पड़े। तो भाई इस वीडियो में मैंने जो धर्मशाला से मणिमहेश की पैदल यात्रा है उसकी सारी डिटेल्स मेंशन करी हैं। और अगर भाई आप भी इस यात्रा को इसी रास्ते से करना चाहते हैं या फिर किसी और रास्ते से भी करना चाहते हैं, और अगर आपके कुछ डाउट्स क्लियर नहीं हुए हैं या फिर आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो भाई आप मुझे कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं भाई, और मैं आपको भाई पूरी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको इस सफ़र की डिटेल दूँ। तो भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आप इस वीडियो को देख के अगर ये ट्रिप प्लान कर रहे हैं भाई, तो कमेंट जरूर करें। और भाई अगर आप इस सफ़र की जो 6 दिन की पूरी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आपको ऊपर नोटिफिकेशन में लिंक दिख रहा हो भाई, आप उसको फॉलो करके भाई इस पूरी सीरीज़ को देख सकते हैं। और भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपने सब्सक्राइब करना है तो भाई आप सब्सक्राइब कर देना। लेकिन भाई अगर आप एडवेंचर को पसंद करते हैं तो भाई इस ट्रिप को एक बार प्लान जरूर करें। तो चलिए आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।